चैनल सब्सक्राइब करो, हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपने चैनल। दोस्तों काफी दिन पहले मैं अपने एग्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं और आज मैं फिर से आपके लिए एग्री की बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की एक जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि इस एग्री के अंदर, इस एग्री के प्रोडक्ट के अंदर मैं वो सारी जानकारी आपके लिए देना चाहूंगा जो मैंने अभी तक आपको नहीं दी है। यानी कि अभी तक मैंने आपको जो प्रोडक्ट की जानकारी दी है वो है एग्री 82 से संबंधित और एग्री ह्यूमिक से संबंधित, और एक वीडियो और मैंने आपके लिए दी थी वो दी थी एग्री मॉस से संबंधित। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ वो है एग्री नैनोटेक। जी हाँ, बहुत दिनों से आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे थे, बहुत दिनों से आप मुझे कॉल भी कर रहे थे कि सर हमें एक एग्री के तीसरे प्रोडक्ट की और चौथे प्रोडक्ट की बहुत ही जल्दी हमें नॉलेज दीजिए कि अगला प्रोडक्ट कौन सा है और हमें उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आज मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूं वो है हमारा एग्री का चौथा प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। ये वो प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप इसे अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, इन तीनों के अलावा ये एक स्पेशल काम के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आज मैं इसी के संबंध में आपके लिए जानकारी देने वाला हूँ और ये आपके लिए जानकारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एंड तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूँ वो है एग्री नैनोटेक से संबंधित, और एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इसको पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो आपकी जो एग्री नैनोटेक से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ एग्री नैनोटेक क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्री नैनोटेक होता क्या है। एग्री नैनोटेक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारी फसल की एक पैदावार को बढ़ाने में या उसकी मरम्मत करने में काम आता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे हमारे फसल के अंदर एक्टिविटी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए है जो फसल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें महीन से महीन एक्टिविटीज या जो एक्टिविटीज हम नहीं देख पाते हैं उन सारी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए नैनोटेक आपकी मदद करेगा। क्योंकि नैनो का ही मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा महीन, जो आप अपनी नेग्ड आंखों से या फिर नंगी आंखों से जिसको आप नहीं देख सकते। तो नैनोटेक स्पेशली काम क्या करता है, नैनोटेक हमारी फसल में जो क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है हमारे पौधों के लिए, जिससे जिसकी वजह से हमारे पौधे हरे होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हमारे पौधे की, हमारी फसल की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, तो जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है एग्री नैनोटेक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्री नैनोटेक किस तरीके से हमारे अंदर फायदा करता है। आज आपको मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हैं और किन किन फसलों में हमें इसको इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हम इसको अपने फसल के अंदर यूज करें और किन किन फसलों में इसको यूज करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्रमुख काम क्या होता है, यानी कि इसका जो बेसिक काम है वो होता क्या है। इसका जो बेसिक काम है वो होता है क्लोरोफिल को बढ़ाना। यानी कि अगर हमारी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल की मात्रा रहेगी, हमारे पौधे उतने ही ज्यादा पूरी तरीके से स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल हमारी पत्तियों को हरा बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है।
बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पोषक तत्वों की जो पूर्ति करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हमारे पौधे के लिए। अगर हम अपने पौधे के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारा पौधा पूरी तरीके से पनप नहीं पाता है, वो पूरी तरीके से उपज नहीं पाता है और इस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारी फसल के अंदर जितने भी पौधे होते हैं, इट मीन्स हम जितने भी प्रकार के पौधों को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं, उन सभी में एक विशेष प्रकार की क्रिया काम करती है। पौधों को 16 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जो 16 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग अलग स्तरों पर काम भी करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इनको हमने 4 भागों में बांट रखा है। जैसे हम पहला भाग ले लेते हैं बेसिक। जी हाँ, पहला भाग हम ले लेते हैं बेसिक। तो बेसिक में होता क्या है कि पौधे को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है कार्बन। जी हाँ, सबसे पहले जो जरूरत होती है वो है कार्बन। दूसरी जो है वो है हाइड्रोजन और तीसरा जो है वो है ऑक्सीजन। यानी कि पहला जो स्तर है, हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। अब इन तीनों चीजों की अगर कमी रहेगी हमारे फसल के अंदर तो हमारी फसल के अंदर कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी या अच्छी तरीके से वो पनप नहीं पाएंगे। दूसरा स्तर हमारा होता है प्राथमिक स्तर। यानी कि दोस्तों, पहला स्तर मैंने आपको बताया बेसिक स्तर, दूसरा स्तर होता है हमारा प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर हमें जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जी हाँ, तीन चीजों की हमें जरूरत होती है, वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमें बेसिक स्तर पर जो हमें तीन चीजें मिलती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमें तीनों ही चीजें एग्री ह्यूमिक से ऑलरेडी मिल जाती हैं। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, आपने वीडियो देखी होगी जो एग्री 82 के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी एग्री ह्यूमिक की, तो उस एग्री ह्यूमिक के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही प्रकार की चीजें हमें बेसिक स्तर पर पहले से ही मिल जाती हैं। जो दूसरा स्तर हमारी फसल के अंदर जो काम करता है वो है प्राथमिक स्तर, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन का पूरा और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर हमारी इन सारी चीजों में से कोई भी चीज कम पड़ जाती है तो हमारी फसलों में कोई ना कोई कमी आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे स्तर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने इनको जो है अलग अलग स्तरों में बांट रखा है, जो कि है 4 प्रकार के स्तर। मैं बात करूंगा तीसरे प्रकार के स्तर की, यानी कि तीसरे लेवल पे क्या होता है। तीसरे लेवल पे आता है द्वितीयक स्तर। जी हाँ दोस्तों, द्वितीयक स्तर। अब द्वितीयक स्तर का मतलब है सेकंड लेवल, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। द्वितीयक स्तर में हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन तीनों ही चीजों की कमी को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारे पौधों के अंदर की इसकी पूर्ति टाइम टू टाइम पूरी की जा सके। अगर नहीं पूरी कर पाए आप, तो आपके लिए होगा क्या, आपकी फसल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाएगी और आपको विभिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट नंबर 4 में, सूक्ष्म तत्व। अब ये सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये सिर्फ फसलों में होने वाले जितने भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के अंदर ही अंदर ये पौधे अपने आप ही उन सारे तत्वों को पूरा करते हैं, उन सारी क्रियाओं को पूरा करते हैं। अब इन सूक्ष्म तत्वों के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जो पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, वो है पहला नंबर 1 जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन और मेलिडेनिम। यानी कि ये जितने भी तत्व मैंने अभी आपको बताए, एक बार आप फिर सुने, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन और मेलिडेनिम। ये ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म तरीके से हमारे पौधों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी फसल पूरी तरीके से हरी भरी बनी रहती है। अगर इन चारों स्तरों में से जितने भी तत्व मैंने आपको बताए, जितने भी आपके मैंने लेवल बताए, जिन जिन लेवल में जो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अगर इन सारी चीजों में किसी ना किसी भी चीज की अगर कमी पाई जाती है तो होगा क्या,
हमारी फसल कहीं ना कहीं से खराब जरूर होती है। कभी उसकी जड़ सही तरीके से पनप नहीं पाती है, या फिर आपके पत्ते कहीं ना कहीं से पीले पड़ने लगते हैं या सूखने लगते हैं, या जो आपकी फसल आने वाली होती है उसमें समय से पहले ही कोई ना कोई रोग लग जाता है। तो ये सारी जो कमियां रहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीजों की कमियों की वजह से रहती हैं। अब द्वितीयक और सूक्ष्म तत्व का जो मिश्रण है, और ये सभी तत्व आयन अवस्था में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्वितीयक और सूक्ष्म तत्व यानी कि द्वितीयक तत्व जो मैंने आपको बताए थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और मैंने आपको लास्ट में एक और बताया था द्वितीयक और सूक्ष्म तत्व का भी मैंने आपको एक मिश्र बताया था जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन और मेलिडेनियम, ये सारे जो तत्व होते हैं वो बहुत ही आयन अवस्था में रहते हैं। आयन अवस्था का मतलब ये होता है कि ये ऐसी अवस्था में रहते हैं जो हम अपने नंगी आंखों से जिनको नहीं देख सकते, जिनको सिर्फ अंदर से हम केवल महसूस भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये पौधे ही महसूस कर पाते हैं। या फिर जब हमारे फसलों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पैदा होती है तभी हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हमारी फसल के अंदर इस प्रकार की बीमारी लग चुकी है। तो हम जाते हैं अपनी कीटनाशक दवाइयों के लेने के लिए, हम बाजार में जाते हैं विभिन्न प्रकार की दवाइयों को लेने के लिए, तो उसमें होता क्या है, हमें इन सारी बीमारियों से बचने की दवाई नहीं दी जाती है बल्कि इनको दबाने की दवाई दी जाती है। अगर हम अपनी फसल को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत से ही अपनी जड़ को, यानी कि जब हम बीज बोते हैं उसी टाइम से ही हमें अपनी फसल को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एग्री नैनोटेक के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है एग्री नैनोटेक, क्योंकि नैनोटेक का मतलब ही है, मैंने आपको बता दिया था कि नैनो माने सूक्ष्म और टेक माने होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि ये पौधों के अंदर या हमारी फसल के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस भी नहीं कर पाते हैं और ना ही कभी देख पाते हैं। तो दोस्तों, एग्री जो नैनोटेक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है हमारी फसल के लिए, और इसे आपको शुरुआत से ही अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अब एग्री नैनोटेक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फायदा ये होगा कि इससे जो हमारी पत्तियां होती हैं, इसका जो रंग होता है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा गहरा बना रहेगा। कुछ पत्तियों का गहरा हरा रंग करने में ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दूसरा होता है, कभी भी इससे जो आपकी पत्तियां होती हैं, चाहे वो किसी प्रकार की फसल हो, कोई भी सब्जी हो या कोई भी फ्रूट हो, किसी की भी पत्ती हो, वो कभी सिकुड़ती नहीं है। पहला फायदा मैंने आपको बताया है कि इसका जो रंग होता है उसको गहरा हरा करने में ये अपनी मदद करता है और इससे पत्तियां कभी सिकुड़ती नहीं है। तीसरा फायदा यह है, फलों को पेड़ों से तोड़ने के बाद भी काफी अधिक दिनों तक उसे सुरक्षित बनाए रखता है। यानी कि अगर हम पेड़ों से फल को तोड़ लेते हैं तो आपने देखा होगा कि 2 दिन बाद या 3 बाद वो फल क्या होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं अगर कोई ना खाए तो, या हमारे मार्केट से नहीं बिकते हैं तो। लेकिन अगर आपने नैनोटेक का इस्तेमाल किया है तो काफी लंबे समय तक ये खाने योग्य बने रहते हैं, और इसको काफी लंबे टाइम तक रख के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी बेकार नहीं होते हैं और सुरक्षित बने रहते हैं। अगला फायदा ये है कि फलों और पत्तियों पर इसकी चमक को बढ़ाने में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक, ये आपकी जितनी भी हमारी पत्तियां होती हैं, प्राकृतिक रूप से ये आपकी हर एक पौधे के अंदर चमक को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसको अपनी फसल के अंदर जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपकी फसल की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने जो आपको फायदे बताए, ये फायदे हैं एग्री नैनोटेक को इस्तेमाल करने के। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एग्री नैनोटेक अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने फसल के अंदर तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, यानी कि ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम जो फसल के अंदर नैनोटेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको यूज करने का तरीका क्या है।
सबसे पहले स्प्रे प्रति लीटर पानी के साथ 2 ग्राम, यानी कि अब मैं आपको वो मात्रा बताने वाला हूँ जो कभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये मुझसे फिर फोन करके ना पूछें कि हमें इसके पानी के अंदर कितनी मात्रा मिलानी चाहिए और हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं एक लिमिट मात्रा के हिसाब से बता देता हूँ, अगर आप जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं आप उसके हिसाब से इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो स्प्रे में आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सुन लीजिए। प्रति लीटर पानी के साथ ओनली 2 ग्राम, यानी कि 1 लीटर पानी के साथ ओनली 2 ग्राम आपको इसके हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब सपोज मान के चलते हैं कि आपकी 15 लीटर की टंकी होती है तो आप उसमें कितना इस्तेमाल करेंगे, तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, तो 15 लीटर पानी में कितना हुआ, 15 × 2 = 30 ग्राम। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन को लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मिट्टी या खेत, अगर हमें अपने खेत के अंदर अपनी मिट्टी के अंदर अगर नैनोटेक का इस्तेमाल करना है, उसको अपने खेत के अंदर डालना है, तो हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो 1 एकड़ खेत के अंदर आपको डालना है सिर्फ 2 किलो। 1 एकड़ खेत के अंदर आप जो भी फसल कर रहे हैं आपको सिर्फ 2 किलो का इस्तेमाल करना है, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। अब ये एक तो पहली चीज मैंने आपको बता दी फायदे, दूसरा बता दिया आपको यूज करने का तरीका। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये किन किन फसलों के अंदर आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जितने मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, आप स्पेशली उन फसलों पे इसका इस्तेमाल कीजिए जो पत्ते वाली फसलें होती हैं, यानी कि जिसका पत्ता हम डायरेक्ट खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। आप बात को समझ रहे होंगे कि हम उन फसलों पे इस्तेमाल करेंगे जो हम पत्तियों वाली फसलों को उगाते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, आपका तंबाकू हो गया और आपका मेन्या हो गया, और इसी प्रकार और भी जो पत्तेदार फसलें हैं, जो केवल पत्ते पत्ते जिनके हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी सब्जी बनाने में या कोई भी डिश बनाने में जिसका इस्तेमाल करते हैं, आप केवल उन्हीं चीजों पर ही इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल सिर्फ पत्तियों वाले सब्जियों पे, फलों पर ही करना है और किसी पे नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी एग्री नैनोटेक की जानकारी, जो एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक और एग्री मॉस की पूरी सफलता के बाद मैं आपको एग्री नैनोटेक की जानकारी लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों से कि एग्री नैनोटेक के बारे में ये जो जानकारी आपको मिली है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे प्रोडक्ट्स को आप किस तरीके से खरीद सकते हैं। एग्री नैनोटेक से मतलब नहीं है, एग्री के जितने भी प्रोडक्ट इस बुक के अंदर हैं, एग्री मॉस, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और 2 प्रोडक्ट और भी बचे हुए हैं, एग्री बायोफंगिसाइड और एग्री गोल्ड। तो इन जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सारे प्रोडक्टों को हम खरीद कैसे सकते हैं और कहां से खरीद सकते हैं, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट केवल और केवल वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही आप तक मिल सकता है या पहुंचाया जा सकता है। और अगर आप डायरेक्टली अपने पास के ही सेंटर से परचेज करना चाहते हैं तो आप इन सारे प्रोडक्टों को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी की तरफ से आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो कि बिल्कुल फ्री में किया जाता है, और आपके लिए एक आईडी नंबर मिल जाता है जिस आईडी नंबर पर आप अपने पास के ही किसी भी वेस्टीज ऑफिस से जाकर के, वेस्टीज सेंटर से जाकर के आप इन सारे प्रोडक्टों को परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने खेत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो आपको 15% से 20% का डिस्काउंट भी दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम रहता है। तो ये जो चीजें हैं जो कंपनी ने हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड कराई हैं, जो छूट हमें देती है, वो सब इसलिए देती है ताकि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके पास पहुंचे, ये बीच में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के माध्यम से ना पहुंचे। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी एग्री नैनोटेक के बारे में। उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस एग्री नैनोटेक की जो जानकारी है आपने इसको बखूबी सुना होगा और अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी बात इसके अंदर समझ में ना आए तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इसको
आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे आप और जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को फिर से पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को अपने डाउनलाइन के अंदर और अपने जितने भी वेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं स्पेशली, उन सभी लोगों के बीच जरूर 100% शेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू वेल।